देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बीके डॉक्टर निर्मला दीदी के पहले स्मृति दिवस पर उनकी यादों में डूबा मुख्यालय ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला दीदी जी की पहली पुण्यतिथि पर ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन और ज्ञान सरोवर में प्रथम पुण्य स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आप देख रहे दोनों जगह की तस्वीरें, जहां संस्था के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा बीके डॉक्टर निर्मला दीदी जी के संस्मरणों को याद किया गया। शांतिवन में विशेष भोग लगाने के पश्चात भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई ने दीदी संग बिताए अपनी यादों को ताजा किया। निर्मला दीदी जी सरलता और निर्माणता की चेतने बनी बनाई देवी थी। वो ऐसी थी जिसके लिए हम कह सकते हैं कि सुनिए सबकी, कहिए न कछु, रहिए इमियाभव सागर में, तरिए व्रत नेम सच्चाई लिए, सफलता पाए हर आंगन में। अनेक यज्ञ के कार्यक्रमों में, चाहे ग्लोबल हॉस्पिटल बनाने में और भी अनेक यज्ञ की सेवा के कार्य में उन्होंने बहुत लंबे हाथ उनका था और बड़े दिल थे, बड़े स्वच्छ श्रेष्ठ एक आदर्श आदरणीय दादियों में एक बड़ी दादी हम कहता हूँ। और छोटेपन से ही उन्होंने ज्ञान में आकर के ऐसे दादी को हम सब मिलकर के मौन की भाषा में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आगे ज्ञान सरोवर में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी और राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके सुदेश दीदी और बीके शशि दीदी, महासचिव बीके ब्रजमोहन भाई, मीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, ज्ञान सरोवर की सह निदेशिका बीके प्रभा, ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्मा कुमारीज के डायरेक्टर बीके चावली समेत सभी वरिष्ठ सदस्यों ने उनके साथ के अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। एक मैंने उनकी विशेषता देखी, अंडरस्टैंडिंग, दूसरे को समझना और समझकर जो उसका संकल्प है उस अनुसार वो उनके साथ संबंध रखती थी। तो दीदी जहाँ जाती थी बहुत सरल रीति से अपने को फिट कर लेती थी। जैसे आप लोगों ने सुना कि इतनी सरल, जो कभी भी उसके मुख से ये नहीं होता था मुझे ये चाहिए, बस आत्मा तृप्त, आत्मा भरपूर। हम आज उनको बहुत स्नेह से याद करते हैं। हमने देखा शांतिवन में जब वो योग कराती थी, क्या उनके बालों का, उनके चेहरे का ऐसा प्रभाव था जैसे कोई सन्यासी बहुत तपस्या करने वाला बैठा हो। तो ये भी हमने उनका बहुत अच्छा प्रभाव देखा। उनके पास एक बेहद की दृष्टि, बाबा मामा से जो पालना ली हुई थी उस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप, दूसरों को पालना दी, बैलेंस रखा। और वो वास्तव में भारत और विदेश के लिए एक ब्रिज का काम करती रही। She was really fair and she didn't favor anyone, even me, who was probably close to her most of the time. She was absolutely fair to everybody. दीदी जी में जो विशेषता, जो विदेशियों को भी आकर्षित करना, जैसे जानकी दादी जी ने प्रैक्टिकली दिखाया, तो हमने निर्मला दीदी में वही विशेषता देखा। आपको बता दें, बीके डॉक्टर निर्मला दीदी का जन्म 2 अक्टूबर 1935 में हुआ था। 1955 में मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और MBBS की डिग्री पूरी होने के बाद 1962 में वे ब्रह्मा कुमारी संगठन से जुड़ी। वर्ष 1971 में आप पहली बार लंदन पहुंची, जिसके बाद वे यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, मॉरिशियस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर समेत 70 से भी अधिक देशों में लोगों में अध्यात्म व राजयोग मेडिटेशन की अलग जगाई। करीबन 14 साल से संस्था के माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर परिसर की निदेशिका व 3 साल से संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका की जिम्मेवारी संभाली। आपका सरल व विनम्र स्वभाव सभी को प्रभावित करता रहा। ऐसी आध्यात्मिक जगत की महान विभूति को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नवनिर्मित टॉवर ऑफ पीस और 16 बहनों का समर्पण समारोह संपन्न।
ब्रह्मा कुमारीज का नवनिर्मित भवन टॉवर ऑफ पीस और 16 ब्रह्मा कुमारी बहनों का समर्पण समारोह धूमधाम से गुजरात के भावनगर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस सुवर्ण अवसर पर संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी, मेहसाना से बीके सरला, अहमदाबाद से बीके चंद्रिका, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा, बीके सतीश, बीके जयराज समेत 16 समर्पित होने वाली बहनों को श्रृंगारित करके स्टेज पर सुशोभित किया गया। अवसर पर भावनगर सांसद राज्य मंत्री माननीय निमूबेन बांभनिया ने अपने वक्तव्य में कहा कि 16 कन्याओं का शिव पर समर्पित होने के लिए एवं उनके माता पिता का भी अभिनंदन है जिन्होंने पुत्रियों को शिव परमात्मा पर विश्व कल्याण अर्थ समर्पित किया। लोग प्लान बनाते थे 5 वर्षों का, आजकल मैं देखती हूँ कि 1 वर्ष का भी प्लान कोई बनाता नहीं है, परंतु इन्होंने जब से अपनी जीवन की दौर शिव पापा के साथ जोड़ी है तो उनको मालूम है कि एक जीवन, एक वर्ष तो क्या, 10 वर्ष तो क्या, परंतु सदा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए परमात्मा खुश होकर के, राजी होकर के उनको सदा ही सुखी रख सकेगा। और कैसे एक आदर्श प्रवृत्ति गृहस्थ आश्रम और जीवन को बहुत ऊंची मंजिल तक ले जाने की जो हिम्मत रखी है और प्रभु पिता उनके साथ हैं, जो हजार हाथ वाला है, ऐसी मीठी दृष्टि प्रभु पिता की इन सब के ऊपर पड़ी हुई है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ज्यारे ज्यारे धर्मनी ग्लानि थाय छे त्यारे अधर्मनो नाश करवा माटे स्वयं परमपिता परमात्मा एक साधारण मनुष्य तनमा अवतरित थाय छे अने समग्र मानव जातनु कल्याण करवा माटे एक सुंदर यज्ञ रचे छे अने ये छे आ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयनो ज्ञान यज्ञ। सरला दादी चाहती है कि अभी भावनगर की सेवाओं को आप लोग आगे बढ़ाओ, और इतनी अच्छी और शक्तिशाली दादी ने दृष्टि दी, और उस दृष्टि के साथ साथ जैसे बाबा के वरदान मुझ आत्मा में समाए, और जिस समय पर यहाँ पर सेवाएं शुरू हुई तो तब से लेकर आज दिन तक अथक अटूट निश्चय, एक बल और एक भरोसे के साथ हमारी तृप्ति बहन ने खूब विश्वास से बाबा के इस केंद्र को संभाला। माइक्रोसाइन प्रोजेक्ट के सीईओ नीतीश मेहता, भावनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके तृप्ति, आईपीएल तंबोली चेयरमैन पीयूष भाई ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। समर्पित होने वाली बहनों का यही कहना था कि हम सभी बहनों ने लौकिक को अलौकिक जीवन बनाया है। सभी कुमारियों ने खड़े होकर परमात्मा को साक्षी रखकर दृढ़ प्रतिज्ञा की कि पवित्र रहकर परमात्मा को अपना साथी बनाकर विश्व कल्याण करेंगी। हस्तशाल सेवा केंद्र पर नवरात्रि और दशहरे पर भव्य आयोजन। नई दिल्ली के हस्तशाल सेवा केंद्र द्वारा नवरात्रि और दशहरे के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चैतन्य देवियों की जीवंत झलकियों को प्रदर्शित किया गया। 9 देवियों की सुंदर झांकी लगाई गई और दोनों दिन हस्तशाल क्षेत्र के लगभग 6,000 से ज्यादा भाई बहनों ने चैतन्य देवियों और मनोरंजन प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आनंद लिया। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस की बहादुर सब इंस्पेक्टर किरण सेठी ने शिरकत की, जिन्हें लेडी सिंगम के नाम से भी जाना जाता है और जिन्होंने हजारों महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन सिंगला और भाजपा के युवा नेता पुलकित शर्मा, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र यादव, पूर्व पार्षद रणधीर, DDA के पूर्व उपनिदेशक सुभाष सहित कई पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन स्टार इमेज पैथलैब, जनता एक्सवे प्राइवेट लिमिटेड और स्टार टू मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर बीके समीर भाटी ने किया। स्थानीय प्रभारी बीके भावना, द्वारका सेक्टर 12 प्रभारी बीके निशा, बीके दिव्या और बीके लता समेत कई बीके बहनों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अपनी लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षित कराने के लिए आप ब्रह्म कुमारी सेंटर की तरफ से आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए भी अपना नाम दे। दीदी जब भी मुझे बुलाएंगी मैं दौड़ी चली आऊंगी। मैं चाहती हूँ हर एक लड़की इतनी सक्षम हो जाए कि कोई भी बुरी नीयत करने वाला उन पे बुरी नजर न डाले।
को अपनी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग बनाए। ओडिशा के राउरकेला क्षेत्र में ब्रह्म कुमारीज के कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान और एक वृक्ष माँ के नाम कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। दो दिनों में दो कार्यक्रमों द्वारा 510 विद्यार्थियों और शिक्षकों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। जराईकेला गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्रधानाचार्य कल्पना राव की देखरेख में 160 विद्यार्थियों और शिक्षकों को, विकास इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज त्रिपाठी की देखरेख में 350 विद्यार्थियों और शिक्षकों को व्यसन मुक्ति की बीके राजीव द्वारा प्रेरणाएं दी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपनी भावी युवा पीढ़ी को उसके अंदर छिपी हुई विशेषताओं से रूबरू कराना रहा। इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन कोयल नगर सेवा केंद्र की बीके जयश्री, बीके बॉबी, बीके चित्रंजन और बीके सुदीप के अथक प्रयासों से हुआ। यूपी के सीतापुर सेवा केंद्र द्वारा सशस्त्र पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जवानों के तनाव मुक्ति एवं मानसिक शांति हेतु विशेष एक दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। सशस्त्र पुलिस बल के एडीजी के निर्देश पर आयोजित इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में बनारस से मोटिवेशनल स्पीकर बीके तापोशी ने जवानों को प्रशिक्षित किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का अभिमान ही आपसी संबंध को तोड़ता है, इसलिए अपने अभिमान को त्याग कर संबंध को बचाने की जरूरत है। कार्यक्रम को बीके विपिन ने भी संबोधित किया। बीके योगेश्वरी ने आभार जताया तो डिप्टी एसपी ने प्रभावशाली ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए संस्था का आभार माना। कार्यक्रम में सिधौली प्रभारी बीके रश्मि, नेपालगंज से बीके कृष्णा, बनारस से बीके गंगाधर भी उपस्थित रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।